कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव बारे टैक्सी ऑपरेटरों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय मंडी में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंडी सदर के समस्त टैक्सी संचालकों ने भाग लिया। टैक्सी संचालकों को कार्य के दौरान सवारियों के लाने व ले जाने के दौरान अपनाई जाने वाली एहतियात कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी से डॉक्टर पवनेश ने टैक्सी चालकों को बताया कि सवारियों को लाते ले जाते समय वे किस प्रकार स्वयं को और सवारियों को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। टैक्सी में सवारियों को लाते व ले जाते समय कहीं पर भी ना रुकें और अपने स्थान पर भोजन व पीने के पानी की व्यवस्था कर रखें। उन्होंने सभी टैक्सी चालकों से सरकारी निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने की बात की ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी, मैं डॉक्टर पवनेश, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जोनल हॉस्पिटल मंडी से। आज मुझे बुलाया गया था यहाँ पे कि जो यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स हैं और टैक्सी यूनियन के लोग हैं, उनको जानकारी, वो लोग चाह रहे थे कि हम उनको जानकारी दें COVID-19 क्या है, उनको इस बारे में क्या करना है, क्योंकि उन लोगों को फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है, नए लोगों के संपर्क में आना होता है, कई बार उनको स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है। तो इस दौरान उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या वो अपने आप की बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं कि खुद भी बचे रहें और उनका जो परिवार है जो उनके संपर्क में है वो लोग भी इस खतरे से बाहर रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि सेफ रहने के लिए, क्योंकि इन लोगों को बार बार शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो अभी जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के नए ऑर्डर्स आए हैं उसके मुताबिक तो ये था कि कोई टैक्सी ड्राइवर अगर यहाँ से सवारी लेके जाता है और वहाँ से खाली वापस आता है, वहाँ से सवारी वापस लेके नहीं आता, तो उसको भी हम लोग क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि COVID-19 संक्रामक बीमारी है, इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही हो सकता है, और क्योंकि हमारा जो जिला है काफी समय तक ग्रीन जोन में रहा है और जब से बाहर से लोग आ रहे हैं स्टेट के बाहर से, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि अगर हमें लगता है कि वो लोग किसी संपर्क में आए हैं तो उनको हम लोग अलग से क्वारंटाइन कर लें। और इन लोगों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को क्वारंटाइन किया जा रहा है तो वो लोग क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें और अपने घर में क्या क्या चीजें हैं जिसका इन लोगों ने फॉलो करना है उस दौरान क्वारंटाइन के दौरान, ताकि इनकी फैमिली को दिक्कत ना आए। और इसके साथ ही अगर इनमें से कोई व्यक्ति क्वारंटाइन है, उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़े तो किससे वो बात कर सकता है, किससे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम हम लोगों ने बना के रखा है ताकि अगर कोई व्यक्ति जो क्वारंटाइन है अपने या अकेला या पूरी फैमिली के साथ, तो अगर उसको हेल्प की जरूरत पड़े तो एक सिस्टम है जो उनके घर पे इवन दवाइयां भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मेडिकल जानकारी दे सकते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारियां उसका भी इलाज कर सकते हैं। तो ये सब जानकारियां हैं जो इनके लिए जानना जरूरी है। पर सबसे जरूरी जानकारी यही है कि अपने आप को ये कैसे बचा के रखें, कैसे संक्रमण से बचें, किन किन चीजों का ख्याल रखें, और अगर वापस अगर हमें लगता है किसी भी वजह से कि इनको क्वारंटाइन रखना है तो उस दौरान किस किस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि काफी सारे लोग हैं कि जरूरत इनका जो अब कार्य है उसकी जरूरत हम सबको पड़ने वाली है, तो हम चाहेंगे कि इन लोगों के पास जानकारी हो, तो काफी सारा बचाव है जो संभव है।